नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग आप। मैं CMA सुमित रस्तोगी, फैकल्टी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरमीडिएट। आज की क्लास में बेटा आपको मैं कॉस्ट से रिलेटेड कुछ बातें समझाना चाहता हूँ कि जब एक पर्सन कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ता है तो उस कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। कोई भी पर्सन जब मुझसे ये पूछता है कि सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, 12th क्लास में पढ़ा, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा, क्या उससे हमारे सारे पर्पज़ पूरे नहीं हो जाते। मैंने कहा बेटा सारे पर्पज़ आपके पूरे नहीं हो पाते, कुछ ऐसे पर्पज़ हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे पूरे नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें एक नई कॉस्ट अकाउंट मतलब नई अकाउंटिंग का डेवलपमेंट करना पड़ा जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम है जहाँ पर हमारे कुछ पर्पज़ होते हैं, वो पर्पज़ हमें पूरे करने होते हैं। पहला पॉइंट, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकंड आपके पास में है फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। तीसरा आपके पास में है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे लिए क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा। जब कभी किसी बिजनेस को ये पता लगाना चाहते हैं कि जो गुड्स वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं या जो सर्विसेज लोगों को देना चाहते हैं, उन गुड्स को बनाने में या उन सर्विसेज को देने में उनके कितने पैसे खर्च होंगे, मतलब उनकी कॉस्ट कितनी लगेगी, यदि वो कॉस्ट पता लगाना चाहते हैं, जो गुड्स वो कस्टमर को बेचना चाहते हैं या जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं उसकी वो सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, जो गुड्स वो कस्टमर को बेचेंगे उस पर वो कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, जो कॉस्ट उन्होंने कैलकुलेट की है उसे बढ़ने से कैसे रोका जाए, जो कॉस्ट उनकी इनकर हो चुकी है उसे पहले से कैसे कम किया जाए, किसी काम को हम करें या ना करें यदि उसका संबंध कॉस्ट से है तो उसकी डिसीजन मेकिंग हम कैसे करेंगे, ये सारी बातों का आंसर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाता। इन सारी चीज़ों का जवाब हमें किससे मिलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यदि आपसे कोई पूछे भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो तो आप उसका क्या जवाब दोगे, कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से वो सारे पर्पस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके नहीं पूरे कर पा रहा था वो सारे के सारे हमारे पर्पस क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो पर्पस कह सकते हैं बेटे आप, इसे कह सकते हो ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव नंबर वन, कॉस्ट को असर्टेन करना, कैलकुलेट करना। अब कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर में आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। फिर दूसरा पॉइंट है कि कॉस्ट निकालने के बाद हम अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे रखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि जो भी खर्चा गुड्स को बनाने के लिए किया जाएगा वो खर्चा हमारा कितना होगा, पॉइंट नंबर वन। उस खर्चे को निकालने के बाद हम अपना प्रोडक्ट जो कस्टमर को बेचेंगे उसकी सेलिंग प्राइस हमें क्या रखनी चाहिए। तो कॉस्ट निकालने के बाद जितना प्रॉफिट आपको चाहिए वो प्रॉफिट आप ऐड कर दो। मान लीजिए मैं कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में सेल वैल्यू आ जाएगी ना। यदि मेरी जो कॉस्ट है वो 120 रुपये और मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो मुझे जाननी है कितनी है, और उसमें मैं अपना प्रॉफिट 20 रुपये ऐड कर दूँ तो मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी आ जाएगी, 140। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने एक जगह तो लिख दिया फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस का मतलब है कस्टमर मुझसे पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट मैं आपसे खरीदने के लिए आऊँ आप मुझे कितने में दोगे। तो मैंने उसको जवाब दिया कि भाई देखो जो गुड्स मैं आपको बेचूंगा उसे बनाने में मेरी कॉस्ट जो आएगी वो 120 रुपये आएगी और मुझे आपसे कितने रुपये का प्रॉफिट चाहिए, 20 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। मैं आपको ये गुड्स कितने का दे सकता हूँ, 140 का। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई कस्टमर मेरे पास ऐसा आ जाए, कोई कस्टमर मेरे पास ऐसा आ जाए जो कहे कि भाई क्या आप मुझे अपना गुड्स
115 रुपये में दे दोगे? क्या आप मुझे अपना गुर्जा 115 में दे दोगे? तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई, 120 रुपये तो मेरी कॉस्ट आ रही है, यदि मैं आपको 115 में दूंगा तो ऐसा करने से मुझे 5 रुपये का क्या आ जाएगा लॉस, ये मेरी कॉस्ट है। आप कहते हो मैं 115 रुपये दूंगा, मतलब ये मेरी सेल वैल्यू हो जाएगी, ऐसा करने से मुझे तो 5 रुपये का क्या हो जाएगा प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, तो मैं आपको अपना गुड्स 115 रुपये में नहीं बेचूंगा। तो एस्टिमेशन और प्रॉफिट का मतलब क्या है और फिक्सिंग सेलिंग प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है, दो अलग अलग पॉइंट हैं ये। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस का पॉइंट तब आता है जब कस्टमर हमसे पूछता है कि आप ये सामान हमें कितने का बेचोगे, तो उस केस में कॉस्ट निकालने के बाद मैन्युफैक्चरर अपने प्रॉफिट को क्या करता है, ऐड कर देता है जितना प्रॉफिट उसको चाहिए। दूसरा पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, ये पॉइंट आपका कब अराइज होता है, तो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट आपका तब आता है जब कस्टमर हमसे सेलिंग प्राइस नहीं पूछता, वो कहता है आपको हम सेलिंग प्राइस बताएंगे और आप जो सेलिंग प्राइस हम बता रहे हैं उस पर आप गुड्स देने को तैयार हैं या नहीं तैयार। सपोज़ करते कोई बच्चा मेरे पास आया पढ़ने के लिए और उसने मुझसे पूछा कि सर यदि मैं आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास लेता हूँ तो बताइए आप मुझसे कितनी फ़ीस चार्ज करोगे। मान लीजिए मैंने उससे कहा भी मैं आपसे 8,000 रुपये फ़ीस चार्ज करूँगा, तो इसका ना 8,000 रुपये के अंदर कुछ मेरी कॉस्ट होगी और कुछ मेरा प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिक्सिंग सेलिंग प्राइस के केस में कस्टमर मुझसे पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, तो मैं उसमें अपनी कॉस्ट निकालने के बाद जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए वो मैं जोड़ दूंगा। लेकिन दूसरे केस में एक स्टूडेंट मेरे पास आया कि सर मैं 8,000 रुपये तो नहीं, उसने मेरे से फीस ही नहीं पूछी, उसने कहा सर मुझे आपसे क्लासेस लेनी है और मैं आपको 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, और मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या मैं उसे 6,000 रुपये में अपनी क्लासेस दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस 6,000 रुपये के रेवेन्यू पर जो कस्टमर ने मुझे बता दी मैं उससे कितना प्रॉफिट कमाऊँगा, प्रॉफिट कमाऊँगा या नहीं कमाऊँगा। तो पता चला मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 5,500 रुपये आ रही है, और पहले मैं सोचा था एक बच्चे से 2,500 रुपये का प्रॉफिट कमाऊँगा और मुझे 8,000 रुपये फीस मिल जाएगी, तो 5,500 प्लस 2,500 मुझे 8,000 रुपये टोटल कस्टमर से मिलेंगे जिसमें मेरी कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और साथ में पर स्टूडेंट 2,500 का फ़ायदा भी होगा। बट एक ऐसा स्टूडेंट मेरे पास आ गया जिसने मुझसे फ़ीस पूछी ही नहीं, बस मुझसे पूछा सर मुझे आपकी क्लासेस चाहिए और मैं आपको 8,000 की जगह 6,000 रुपये दे सकता हूँ, मतलब उसने 8 की तो बात ही नहीं की मुझसे। तो दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस दिखाई दिया आपको, फिक्सिंग सेलिंग प्राइस वो पॉइंट है जहाँ पे कस्टमर मुझसे आके प्राइस पूछ रहा है तो मैं उसमें अपनी कॉस्ट और अपना प्रॉफिट जोड़ के उसको बता रहा हूँ, लेकिन जब एस्टिमेशन और प्रॉफिट की बात आई तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे कस्टमर पहले से अपने माइंड में क्लियर करके आए कि मुझे कितने पैसे सप्लायर को देने हैं, दुकानदार को देने हैं। तो जहाँ पर आपकी सेलिंग प्राइस पहले डिसाइड हो गई है कस्टमर के द्वारा, तो मुझे उसमें चेक करना है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसके लिए आपका एक बेटा अलग से पूरा चैप्टर है बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग, जब आपको बुक मिलेगी तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। अभी इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कि जहाँ पर किसी काम को करने की कॉस्ट जो आपने सोची है और जो काम आपने किया उस काम को करने की कॉस्ट कितनी आई। सपोज करते हैं मुझे फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनानी है, फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनानी है, सपोज करते हैं मुझे ये पेन बनाना है, तो मान लीजिए इस पेन को बनाने में मेरा मटेरियल का खर्चा कितना होगा। अब आप कहोगे सर मटेरियल का मतलब क्या है, बेटा ये जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हैं इसे हम कॉस्टिंग के अंदर कहते हैं मटेरियल, इस मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए और कितनी लगी। तो मान लीजिए मेरा जो मटेरियल का खर्चा है वो इस पेन को बनाने में 5 रुपये आना चाहिए था, लेकिन मुझे जो मटेरियल का खर्चा करना पड़ा वो 5 रुपये की जगह कितना करना पड़ा, 6 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 5 रुपये की जगह आपका खर्चा 6 रुपये क्यों हुआ, जिस दुकानदार से मैं प्लास्टिक खरीद के लाता था उसने प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब प्राइस बढ़ाने की वजह से मुझे जो मटेरियल 5 रुपये का मिलता था अब वो 6 रुपये का मिलने लगा, जिसकी वजह से मेरी जो कॉस्ट है वो 1 रुपये इंक्रीज़ हो गई, तो मटेरियल का खर्चा इंक्रीज़ बाई 1 रुपये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो खर्चा मेरा 1 रुपये ज़्यादा लग गया वो इस बार तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अगली बार फिर से 1 रुपये फालतू दूँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ऐसे केस में मैंने क्या कहा अपने परचेज मैनेजर को, जो मेरी फैक्ट्री के अंदर मटेरियल खरीदने का काम करता था, मैंने उससे कहा भी मार्केट में दूसरे सप्लायर के पास जाओ
और उससे पता लगा क्या हो कि जो मटेरियल हमें चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए, वो मटेरियल हमें क्या वो 5 रुपये के हिसाब से देगा या नहीं देगा। तो पिछली बार हमसे गलती क्या हो गई थी, हम उस सप्लायर से मटेरियल लिया करते रहे 5 रुपये के हिसाब से, और वो सप्लायर इस बार हमें 6 रुपये के हिसाब से देने लगा। बहाना लगाया कि भाई पीछे से मटेरियल महंगा आ रहा है, GST का रेट इंक्रीज़ हो गया, मतलब उसने नए नए बहाने बताए, और प्रोडक्शन में हमारे को डिले ना हो जाए इसलिए मजबूरन हमें मटेरियल कितने रुपये के हिसाब से खरीदना पड़ा, 6 रुपये के हिसाब से। बट इस बार हमने क्या किया, समय से पहले, क्योंकि प्रोडक्शन मुझे करनी है बाद में 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने बाद, तो मैंने क्या किया, मार्केट में नए नए सप्लायर के पास गया और उनसे बातचीत की कि भैया देखो ये मेरी क्वालिटी है जो मुझे चाहिए आपसे, यदि आप ये मटेरियल 6 रुपये की जगह मुझे 5 में दे दो तो मैं आपसे ये सामान खरीदने को तैयार हूँ। तो कोई ना कोई ऐसा सप्लायर आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको मटेरियल उसी दाम पे दे देगा जिस दाम पे आप पहले खरीद रहे थे। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, यदि मटेरियल की कॉस्ट जो आपकी 6 रुपये हो चुकी है, यदि मैं उसको वापस 5 रुपये पे ले आऊँ किसी भी तरीके से, दुकानदार से बात करके, कौन से दुकानदार से, जिससे पहले खरीदा था, हो सकता है वो मेरी बातों में आ जाए और 6 से कितने पे आ जाए, 5 पे आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है, कि कोई नया सप्लायर मिल जाए जो मुझे नया कस्टमर समझकर वो चाहता भी मैं उसका कस्टमर बन जाऊँ, चलो उसने मुझे मटेरियल का रेट कितना लगा दिया, 6 रुपये से 5 लगा दिया, तो मेरा इस बार का तो काम बन गया ना, मुझे मेरा मटेरियल वापस 6 रुपये से किस पे मिल गया, 5 पे। तो जब मैं अपना मटेरियल का खर्चा 6 रुपये से 5 रुपये में वापस ले आऊँगा तो उस काम को कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, जितनी कॉस्ट मेरी बढ़ी थी इस बार वो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा क्योंकि मेरे पैसे इस बार जा चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अगली बार मुझे पर यूनिट मटेरियल के नाम से 1 रुपये का जो नुकसान हो रहा था वो ना हो और मेरी कॉस्ट वापस 1 रुपये क्या हो जाए, कम हो जाए। दूसरा केस, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है, इस बार तो मैंने थोड़ी चालाकी की और सप्लायर के पास जाकर उससे बोला कि भाई मुझे मटेरियल मार्केट में 6 रुपये की जगह 5 रुपये में मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, पुराने सप्लायर के पास जाकर मैंने उससे कहा कि देखो मटेरियल मार्केट में दूसरे सप्लायर 5 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, यदि आप मुझे 5 रुपये के हिसाब से दे दोगे तो मैं आपसे लूँगा, अदरवाइज दूसरे सप्लायर से ले लूँगा। पुराने सप्लायर ने मुझे मना कर दिया, मैं दूसरे सप्लायर के पास गया और उससे सेम क्वालिटी का मटेरियल 5 रुपये के हिसाब से ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगली बार मेरी कॉस्ट 6 रुपये से वापस कितनी हो गई, 5, और मैंने अपनी कॉस्ट को 1 रुपये से कम कर लिया, मतलब कि मैंने कॉस्ट कंट्रोल का काम तो कर लिया। अब बात आ रही है कॉस्ट रिडक्शन की, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी है 5 रुपये, अभी तक आपकी एक्चुअल कॉस्ट भी कितनी आ रही थी, 5 रुपये। एस्टिमेटेड कॉस्ट भी 5 है, एक्चुअल कॉस्ट भी कितनी आ रही थी, 5। यदि मैं अपनी कॉस्ट को 5 रुपये से किसी तरीके से 4.5 रुपये, 4.30 रुपये, 4.95 रुपये कुछ इस तरीके से कर सकूँ, मतलब मैं अपनी एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम कर सकूँ, 50 पैसे की सेविंग कर सकूँ, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब हुआ कि जितनी कॉस्ट आपकी आपने सोची हुई थी, यदि मार्केट में उसी रेट पे आपको वो सामान मिल रहा है और आप कुछ इस तरीके की दुकानदार से बात करते हैं कि भैया मैं आपसे 100 किलोग्राम की जगह एक बार में 1000 किलोग्राम मटेरियल ले लूँगा, तो आप मुझे बताइए मटेरियल का क्या दाम लगाओगे। तो दुकानदार ने हमें कहा भाई मटेरियल का रेट हमें 5 की जगह कितना लगा देंगे, 4.5। ऐसा करने से मेरी कॉस्ट जो अब तक 5 रुपये आया करती थी वो वापस कितनी आ जाएगी, वापस 5 नहीं आएगी, वो कम होकर 4.5 हो जाएगी। तो पहले वाले केस और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, पहले वाले केस में मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो गई थी, अगली बार मैंने अपनी कॉस्ट को वापस 6 से कितना बना दिया, 5। अलग अलग सप्लायर के पास जाके नया सप्लायर ढूंढा जिसने मुझे मटेरियल 6 की जगह कितना लगा दिया, 5, और मुझे 1 रुपये का फ़ायदा अगली बार से होना शुरू हो गया। इसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम हो जाए इस तरीके से कि आप सप्लायर से क्वांटिटी डिस्काउंट ले लें और आपको वो मटेरियल 5 की जगह 4.5 का पड़ जाए, तो 50 पैसे जो अब आपको पर यूनिट मटेरियल सस्ता मिलेगा उसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और लास्ट पॉइंट आपके पास है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब ये हेल्प इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, ये सारी चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता होंगे तब तक आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, किसी काम को करने में कितने पैसे खर्च होंगे वो जानना पड़ेगा, उस काम को करने में कितने पैसे लगेंगे
उसकी कॉस्ट निकालने के बाद उसकी प्राइस क्या रखी जाए, तो जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं वो जोड़ दो, ठीक है जी। यदि कोई कस्टमर प्राइस पहले से डिसाइड कर चुका कि जी मैं इतने ही पैसे दूंगा, तो उस केस में मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि मेरी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए और मैं किसी तरीके से अपनी एक्चुअल कॉस्ट को वापस एस्टिमेटेड कॉस्ट के बराबर ला सकूं, तो जितनी मेरी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ी थी एस्टिमेशन से, यदि उतनी कॉस्ट मैं वापस कम कर सकूं, तो उस प्रोसेस को, उस काम को क्या कहते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करना। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पर मैं अपनी कॉस्ट को एस्टिमेटेड से भी कम कर दूँ, मतलब मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और लास्ट पॉइंट आपके पास है अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सपोज करते हैं हम जानना चाहते हैं कि क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कैसे? सपोज करते हैं हमें एक कार बनानी है, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है जी। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड जो कार प्रोड्यूस करते हैं, तो कार इनके लिए प्रोडक्ट है बेटा, कार इनके लिए क्या है, प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट को बनाने में सपोज करते हैं ये जो टायर हैं ये किसी जेड कंपनी से खरीदते हैं। हाँ जी, एक्स लिमिटेड कार प्रोड्यूस करती है और इस कार को प्रोड्यूस करने के लिए इस कार में उनको चार और एक स्टेपनी, पांच टायर की जरूरत पड़ती है। और वो टायर कौन सी कंपनी से लेते हैं, टायर कंपनी से लेते हैं जिसका नाम है जेड लिमिटेड। ये टायर कंपनी कहते हैं हम आपको फाइव टायर्स, जिसको हमने नाम दे दिया वन सेट। एक कार में चार पहिए होते हैं, चार व्हील तो लग गए, इधर दो इधर, दो इधर, और एक आपकी स्टेपनी हो गई। उन्होंने कहा जी पांच टायर जो एक सेट है वो हम आपको 4000 रुपये के हिसाब से दे देंगे। मतलब 4000 रुपये का एक टायर है, पांच टायर हम आपको कितने के देंगे, 20000 के। हाँ जी, ऐसे में हमारे पास कंपनी का मैनेजर आया, उसने हमें एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को मैनेजर ने एक सुझाव दिया, सजेशन दिया कि सर यदि हम जेड लिमिटेड से ये टायर ना परचेज करें 20000 रुपये में, क्योंकि वो एक टायर हमें 4000 का देते हैं, एक कार में पांच टायर यूज़ होते हैं, वो हमें 20000 रुपये के देता है, तो क्यों ना हम अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर लें। मैंने कहा बताओ भी क्या करें। वो कहते जी एक काम करो, टायर को जेड लिमिट से ख़रीदना बंद कर दो और आप अपना एक काम करो, टायर को खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। मैंने कहा तुम होश में दो, हम कार बनाते हैं, टायर थोड़ी बनाते हैं। वो कहता है सर आप ये देखो, ऐसी कार हम साल में करीब 10000 बनाते हैं, 10000 कार बनाते हैं, 10000 यूनिट बनाते हैं। यदि 10000 यूनिट बनाते हैं और हमें एक कार में पांच टायर की रिक्वायरमेंट है जिसमें हमारा खर्चा 20000 रुपये होता है, यदि हमारी कॉस्ट थोड़ी सी भी कम हो जाए तो हम काफ़ी लाखों रुपये बचा सकते हैं। अब जैसे ही ये बात हमने बोल दी कि भाई लाखों रुपये बचा सकते हैं, हर बंदा यही चाहता है क्यों ना हम पैसे बचाएं यार, कॉस्ट जितनी कम होगी हमारा प्रॉफिट उतना क्या होगा, ज़्यादा। तो ऐसे केस में मैनेजर ने हमें क्या सुझाव दिया, मैनेजर का मान लो सपोज करते हैं उस कंपनी का जो मैनेजमेंट था, टॉप मैनेजमेंट कॉस्टिंग अकाउंटिंग, सपोज करते हैं वो बंदा था CMA, इसको कॉस्ट की बड़ी जानकारी होती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं सर, यदि ये टायर हम खुद बना लें तो हो सकता है हमारी जो कॉस्ट है वो एक सेट की, एक सेट का मतलब पांच टायर की, 17000 रुपये आ जाएगी। मैंने कहा श्योर 17000 रुपये हो जाएगी? वो कहते हैं हाँ जी, मैंने इसमें पता लगा लिया कि इसमें मेरा रबड़ कितने का लगेगा, मतलब मटेरियल कितने का लगेगा, हमने पता लगा लिया वर्कर लेबर कितनी लेगा, हमने पता लगा लिया हमारा इस टायर को बनाने में फैक्ट्री का खर्चा कितना होगा। मैंने कहा बताओ भी कितना कितना खर्चा होगा? तो सारे खर्चे मिलाकर उन्होंने कहा जी 17000 होंगे। मैंने कहा जी रबड़ कितने का लगेगा? उन्होंने कहा 10000 का। मैंने कहा लेबर कितनी लगेगी? उन्होंने कहा जी 5000 की। मैंने कहा फैक्ट्री का खर्चा कितना होगा पांच टायर को बनाने में? 2000 का। मतलब कि एक्स लिमिटेड जो टायर जेड लिमिटेड से 20000 रुपये में खरीदती थी, वो टायर यदि वो जेड लिमिटेड से ना खरीद कर खुद बनाना चालू कर दें तो ऐसे में 20000 का खर्चा कम होकर कितना हो जाएगा? 17000 का। तो कहीं ना कहीं मुझे 3000 रुपये पर सेट फ़ायदा हो जाएगा। पर सेट का मतलब पर कार, पर सेट को हम क्या कह सकते हैं बेटा,
पार कार कह सकते हैं, क्योंकि एक कार में पांच टायर लगने हैं और पांच टायर को हमने नाम दे दिया एक सेट। अब आप खुद बताओ, यदि एक कार पे मेरी सेविंग 3,000 रुपये की हो जाए तो मेरी टोटल सेविंग कितनी होगी? हाँ जी, टोटल सेविंग कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर क्या बात करते हो, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। 10,000 यूनिट आपने टोटल बनानी है एक साल में, और आपको यदि एक कार पर टायर का खर्चा 20,000 से 17,000 आपका हो जाए तो हम बना मतलब कितने रुपए कमा सकते हैं, कितने रुपए बचा सकते हैं? तो 10,000 × 3,000 काफ़ी सारे जीरो आ जाएंगे। करीब आपका 3 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा आपको, यानी 3 करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा आपको। अब आप बताओ 10,000 यूनिट बनाकर एक साल में हम जेड लिमिटेड को कितने रुपए फालतू दिया करते थे? 3 करोड़। और ये 3 करोड़ बचाए जा सकते हैं यदि हम ये टायर खुद बना लें जेड लिमिटेड से खरीदने की जगह। अब आप सोचोगे सर ये आइडिया हमारे को पहले क्यों नहीं मिला, तो पहला पॉइंट है कि हम अपनी इंडस्ट्री में क्या नहीं पढ़ रहे थे उस समय, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्योंकि यहाँ पर जो जेड लिमिटेड है सिर्फ वो क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं खुद बनाओ, नहीं बना सकते मार्केट में बनी बनाई लेके लगा दो। अब ऐसे में जो कंपनी ने जब CMA रखा तो CMA का काम क्या, CMA का काम क्या है? कॉस्ट को एस्टिमेट करना, असर्टेन करना। तो आप एक बात बताइए, एक्स लिमिटेड को एक कार पे 3,000 रुपये का फ़ायदा हुआ किसकी मदद से? CMA की मदद से। CMA ने कैसे मदद की? उन्होंने सबसे पहले बताया कि यदि हम 5 टायर अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं तो उसमें मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री का खर्चा मिलाकर कितना आएगा? 17,000। इसका ना जब तक आप कॉस्ट को असर्टेन नहीं करोगे तब तक आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। किस चीज़ की? कि कार के जो टायर हैं वो खुद बनाने चाहिए या मार्केट से बने बनाए खरीद के लगाने चाहिए। बात समझ रहे हो? तो सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से समझिए कि ये सारे के सारे पर्पस वो पर्पस है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूरे नहीं हो सकते, लेकिन ये सारे के सारे पर्पस एक मैन्युफैक्चरर को अच्छा प्रॉफिट कमाने में मदद करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग सिस्टम है जहाँ पर कॉस्ट को कैसे असर्टेन किया जाता है वो पता लगा सकते हैं। कोई कस्टमर मुझसे सामान खरीदने आए उसको सेलिंग प्राइस कितनी बताऊँ, जो प्राइस कस्टमर पहले से सोच के आया क्या उस प्राइस पे मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो मैं पता लगा सकता हूँ। यदि मेरी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए और मैं फ्यूचर में उस एक्चुअल कॉस्ट को जितने रुपये से बढ़ी थी वापस एस्टिमेटेड कॉस्ट पर ले आऊँ, घटा दूँ, तो उस काम को, उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कंट्रोल। यदि मैं अपनी एक्चुअल कॉस्ट को एस्टिमेटेड कॉस्ट से भी कम कर सकूं क्वांटिटी डिस्काउंट लेके तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? कॉस्ट के बेसिस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो कार हम बना रहे हैं उस कार को बनाने में यदि टायर हम मार्केट से खरीदते हैं ना खरीद के खुद बनाएं तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे उद्देश्य हैं जो पूरे होते हैं सिर्फ किसकी मदद से? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेटे सारे के सारे पॉइंट पहले आप नोट कर लीजिए क्योंकि आज की क्लास में कुछ ज़बरदस्त पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए भाई, यदि सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए तो आगे देखते हैं।
देखिए भाई, तो अभी तक बेटा आपने क्या सीखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पर्पस पूरे नहीं कर सकता वो कौन सी अकाउंटिंग से पूरे किए जा सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। चलो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर थे, ये तो आपको बेटा पता चल गया। अब पॉइंट नंबर टू, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज का बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है। कॉस्ट को निकालने का मतलब है जो भी खर्चा किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगा, वो खर्चे कितने कितने लगे सबको जोड़ लो तो आपको क्या पता चल जाएगी, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर अपनी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपके पास है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा आपके पास है इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, डायरेक्ट कॉस्ट में आपके तीन एलिमेंट आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी आपके तीन चीजें आती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, और आपके पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कॉस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा आपके पास कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर आप समझाना क्या चाहते हैं? बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट हम निकालना चाहते हैं वो कॉस्ट कितने तरीके की हो सकती है। तो मैंने कहा सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट है वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी आपके पास होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा खर्चा जिसे इनकर करने के बाद आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक यूनिट बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी। यदि मैं जानना चाहूं कि जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस बुक बनाने में मेरी पेपर की कॉस्ट कितनी है तो आप कैसे पता लगाओगे, जल्दी बताइए। तो आप कहोगे सर यदि एक पेपर 50 पैसे का है और आपकी बुक में 200 पेजेस हैं तो 200 पेजेस को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके जो मेरी कॉस्ट आएगी वो तो 100 रुपये आएगी। सिंपल सी बात है। तो उसका मतलब पेपर का खर्चा आसानी से पता लग गया बुक बनाने में कितना लगा, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। और उसमें एलिमेंट का नाम है डायरेक्ट मटेरियल। यदि मुझसे कोई पूछे कि सर उन पेपर को बुक में कन्वर्ट करने के लिए वो वर्कर हमसे कितने पैसे लेगा जो पेपर को बुक में कन्वर्ट करेगा उसको चिपकाएगा, मैंने कहा जी वो मुझसे 20 रुपये लेगा एक बुक के, तो वो वेजेस मेरी कौन सी होगी? डायरेक्ट वेजेस। तो वो वर्कर जिसने पेपर को पेस्ट करके बुक में कन्वर्ट कर दिया उस वर्कर की वेजेस को हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस। अब सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? जब बुक में आपको प्रोवाइड करूँगा तो उसके फ्रंट पे कोई ना कोई डिज़ाइन बना होगा, उस पर मेरा नाम लिखा होगा, उस पर कोई ऐसी तस्वीर लगी होगी जिसको देख के आपको लगेगा कि यार हाँ ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसका रिलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से। इसका मतलब बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुझे उस बुक में जो भी डिज़ाइन का खर्चा करना पड़ा होगा वो खर्चा मेरा कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो इनकर की जाती है ये पता लगाने के लिए। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? कोई भी ऐसा खर्चा जो आप आसानी से ट्रेस कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि एक यूनिट बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी। दूसरी तरफ आपके पास है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा खर्चा जो इनकर करने के बाद आपको ये ना समझ में आए कि ये खर्चा एक यूनिट बनाने में कितना लगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि पेपर को बुक में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ ना कुछ पेस्ट यूज़ किया था, पेस्ट का मतलब समझ गए, पेपर पे चिपकाने वाला जो मटेरियल है जैसे फेविकॉल हो गया, वो एक बुक बनाने में कितने रुपए का लगा हम उसे जल्दी से नहीं पता लगा सकते। तो फेविकॉल का खर्चा बुक बनाने में जो लगेगा वो होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। सुपरवाइजर जो फैक्ट्री के अंदर चेक कर रहा है कि जो बुक वर्कर के द्वारा बनाई गई है वो सही तरीके से पेस्टिंग हुई नहीं हुई, क्या उसकी सही तरीके से चारों तरफ से कटिंग हुई नहीं हुई, वो सारा खर्चा किस में कवर होगा? इनडायरेक्ट वेजेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब उस बुक को बनाने के लिए
मुझे एक मशीन का इस्तेमाल करना पड़ा, उस मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, पावर का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वो सारे के सारे खर्चे कौन से एक्सपेंस में कवर किए जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में अब हम आगे क्या करना चाहते हैं, कुछ आपको एग्जांपल लिखवाना चाहते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है और इनडायरेक्ट कौन सी होती है। सपोज करते हैं मुझे एक टेबल बनानी है, सपोज करते हैं मुझे एक शर्ट बनानी है। यदि मैं टेबल बनाना चाहता हूं ये मान लीजिए मुझे एक शर्ट बनानी है, ये हमने बटन लगा दी। यदि मुझे एक टेबल बनानी है या मुझे मान लीजिए शर्ट बनानी है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ बनानी है, तो मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम क्या बनाना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट का नाम यदि टेबल है तो आप मुझे बता सकते हो इस टेबल को बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो टेबल को बनाने में मैं पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ टेबल के। टेबल में मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? टिम्बर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कारपेंटर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, डिज़ाइन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, फेविकॉल की, कील पेच की, टूल्स की, मशीन की, सुपरवाइज़र की, फैक्ट्री की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं शर्ट बनाता हूँ तो शर्ट बनाने में मुझे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, क्लोथ, ठीक है जी, टेलर की जरूरत पड़ेगी, डिज़ाइन क्या होगा शर्ट का, थ्रेड धागे की जरूरत होगी, मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे शर्ट को बनाया जाएगा, हाँ जी, कंज्यूमेबल स्टोर्स, सुपरवाइज़र, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी यदि हम टेबल और क्या बनाते हैं शर्ट। तो आप मुझे बता सकते हो कि इनमें से कौन सा मेरा खर्चा डायरेक्ट नेचर का और कौन सा खर्चा मेरा बेटा इनडायरेक्ट नेचर का। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो इनकर करने के बाद आप आसानी से पता लगा सकते हैं एक यूनिट बनाने में कितनी लगी, हाँ जी, कॉस्ट इनकर्ड फॉर वन यूनिट। यदि आप जानना चाहते हैं कि एक यूनिट बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी तो आप उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। अब जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं मुझे इस टेबल को बनाना है, तो मैंने कारपेंटर से पूछा भाई ऐसी टेबल बनाने के लिए आप मुझसे कितने पैसे लोगे, तो कारपेंटर ने कहा जी मैं इस टेबल को बनाने के लिए आपसे 500 रुपये चार्ज लूँगा। फिर मैंने कारपेंटर से पूछा जी इस टेबल को बनाने के लिए कितने टिम्बर चाहिए, कितने लकड़ी के पीसेस चाहिए, उसने कहा जी मुझे 5 पीसेस चाहिए, एक पीस आपका 200 रुपये का आएगा, आपको मार्केट से 1000 रुपये का मिल जाएगा। फिर मैं डिज़ाइनर के पास गया, उसने कहा जी जैसी टेबल आप बनाना चाहते हो उसके डिज़ाइन के मैं आपसे 200 रुपये लूँगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस टेबल को बनाने के लिए मेरा टिम्बर का खर्चा, लकड़ी का खर्चा 1000 रुपये आएगा, कारपेंटर मुझसे 500 रुपये लेगा, डिज़ाइनर जो मुझे टेबल का डिज़ाइन बना के देगा वो मुझसे 200 रुपये लेगा। कहने का मतलब 1000 रुपये प्लस 500 प्लस 200 रुपये मिलाकर मेरी इस टेबल में जो कॉस्ट लगेगी वो अभी आ रही है 1000 प्लस 500 प्लस 200 1700 रुपये। तो इस 1700 रुपये को मैं कौन सी कॉस्ट कह सकता हूँ भाई, यदि मैं टेबल बनाता हूँ तो टेबल में मटेरियल का खर्चा 1000 रुपये, वेजेस का 500 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा 200 रुपये, मतलब कि मेरी डायरेक्ट कॉस्ट 1700 रुपये लग जाएगी। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या सर 1700 रुपये को डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा किसी और नाम से बुलाया जा सकता है,
किसी और नाम से पुकारा जा सकता है? मैंने कहा हाँ जी, इसका एक बढ़िया सा नाम रखा हुआ है, प्राइम कॉस। अब बच्चों ने पूछा सर डायरेक्ट कॉस की जगह आप इसे प्राइम क्यों कहते हो? प्राइम का मतलब क्या होता है? किसी काम को करते समय जो कॉस आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक करती है कि इस कॉस के बिना तो मेरा काम शुरू ही नहीं हो सकता। टिम्बर नहीं होगा, कारपेंटर नहीं होगा, डिज़ाइन नहीं होगा तो मैं बनाऊंगा क्या? बनेगा कैसे? कौन बनाएगा? किससे बनेगा? कौन बनाएगा? कैसा बनेगा? ये सारे जवाब आपको कहाँ से मिलते हैं? डायरेक्ट कॉस से। ठीक उसी तरीके से यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए शर्ट का, तो शर्ट में मैंने टेलर से पूछा भाई आप इस शर्ट को बनाने के कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा जी मैं आपसे 800 रुपये स्टिचिंग चार्जेस लूँगा, सिलने के चार्जेस 800 लूँगा। मैंने कहा जी कपड़ा कितना आएगा? उसने कहा जी 2 मीटर कपड़ा चाहिए और 1 मीटर कपड़ा आपको 1000 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा, मतलब कि 2000 का कपड़ा लगेगा। मैंने कहा जी मुझे शर्ट डिज़ाइनर शर्ट बनानी है। उसने कहा जी डिज़ाइनर जो डिज़ाइन आप बनवाना चाहते हैं शर्ट में उसके आपके 400 रुपये खर्च होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शर्ट मुझे टेलर से बनवानी है उस शर्ट को बनाने में कपड़ा कितने का लगेगा आसानी से पता लग गया। 2 मीटर कपड़ा 1000 रुपये के हिसाब से 2000 का। टेलर कहता है जी मैं लेबर के लूँगा 800 रुपये और डिज़ाइनर कहता है जी मैं डिज़ाइन के लूँगा 400 रुपये। इसका मतलब यदि मैं इन तीनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास में कितने रुपये खर्च हो जाएंगे? 3200 रुपये। तो किसी भी चीज़ को बनाते टाइम जिस कॉस्ट को सबसे पहले इनकर किया जाता है और वो कॉस्ट आसानी से 1 मिनट बनाने में कितनी लगती है वो ढूंढ सकते हैं हम, तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन यदि आपसे मैं पूछूँ कि इस टेबल को बनाने में जो टूल्स जो मशीन मैं यूज़ करूँगा उसका डेप्रिशिएशन कितना लगेगा, फेविकॉल कितने रुपये की लगेगी, कील पेज कितने रुपये के लगेंगे, शर्ट को बनाने में धागा कितने रुपये का लगेगा, मशीन कितने रुपये की डेप्रिशिएशन लगेगी, सुपरवाइज़र की सैलरी का खर्चा एक शर्ट पे कितना है, तो पहला पॉइंट जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो एक यूनिट को बनाने के लिए इनकर नहीं की जाती। जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो किसके लिए इनकर की जाती है? इनकर्ड फॉर ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ग्रुप ऑफ यूनिट्स का मतलब टू और मोर देन टू। हाँ जी, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझना बहुत आसान है। कैसे? जब भी कोई खर्चा आप बेटा करते हैं और खर्चा करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो खर्चा मैं एक यूनिट बनाने के लिए नहीं कर रहा बल्कि उस खर्चे को करने के बाद उस खर्चे का बर्डन बहुत सारी यूनिट पे डाला जाएगा, तो जब किसी खर्चे को इनकर करने के बाद यदि उस खर्चे का बर्डन दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी पे डालने की इच्छा है आपकी, तो ऐसी कॉस्ट को कॉस्टिंग में हम कौन सी कॉस्ट कहते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कहा इनडायरेक्ट मटेरियल, तो अब आप बताइए टेबल बनाने में फेविकॉल का खर्चा, नेल्स का मतलब कील पेज का खर्चा एक टेबल बनाने में कितना होगा? मैं जल्दी से नहीं पता लगा पाऊंगा क्योंकि कारपेंटर ने जो मुझसे फेविकॉल या कील पेज मंगवाए हैं वो एक टेबल बनाने के लिए नहीं मंगवाया बल्कि एक टेबल से ज़्यादा के लिए बनवाया। तो करने का मतलब क्या हुआ? जब किसी खर्चे को मैं करता हूँ और करने के बाद मुझे पता है कि वो खर्चे का बर्डन एक यूनिट पे नहीं आएगा, एक से ज़्यादा क्वांटिटी पे आएगा, तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब यदि वो खर्चा मटेरियल का है तो उसका नाम होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। मतलब कि मान लीजिए फेविकॉल जो नेल्स है वो आपके एग्जाम्पल हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल के, फेविकॉल नेल्स। इसी तरीके से सुपरवाइज़र की जो सैलरी होगी वो मेरे लिए हो गया आपका इनडायरेक्ट वेजेस। हाँ जी, टूल्स मशीन का डेप्रिशिएशन, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सारे के सारे जो खर्चे होंगे टेबल को बनाने में वो सारे के सारे खर्चे कौन से एक्सपेंस बने जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मान लीजिए ये सारा खर्चा 50 रुपये का आता है। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता 50 रुपये का कैसे है? तो बेटा इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया ओवरहेड कॉस्टिंग। कौन सा चैप्टर बनाया गया? ओवरहेड कॉस्टिंग। जब ओवरहेड कॉस्टिंग आपको पढ़ाएंगे तो आपको सबको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें एक मिनट बनाने में कैसे लगती है। अभी बेटा चैप्टर को आसान बनाने के लिए मैंने मान लिया कि एक टेबल बनाने में मेरा खर्चा इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम से 50 रुपये, इनडायरेक्ट लेबर के नाम से सुपरवाइज़र की जो सैलरी है
वो 60 रुपये आती है, ये सारे खर्चे मिला के मेरे 90 रुपये आते हैं। मतलब कि यदि मैं इन सबको प्लस कर दूँ तो मेरी जो कॉस्ट आती है वो आती है 200 रुपये। तो यदि मुझसे कोई पूछे कि टेबल को बनाने में आपकी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा जी 1700 रुपये। तो बच्चों ने कहा सर इसका कोई और अल्टरनेटिव नाम, मैंने कहा हाँ जी इसका अल्टरनेटिव नाम है। उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा जी इसका नाम है प्राइम कॉस्ट। प्राइम क्यों रखा गया, किसी काम को शुरू करते वक्त जो भी कॉस्ट आपके माइंड में सबसे पहले आती है, जिसकी वजह से आपको लगता है काम शुरू नहीं हो सकता, मटेरियल नहीं होगा काम शुरू नहीं होगा। मटेरियल आ गया, करेगा कौन, कारपेंटर, मतलब कि वर्कर। अच्छा वर्कर भी आ गया, मटेरियल भी आ गया, लेकिन उसका डिज़ाइन जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक बेटा काम की शुरुआत नहीं होगी। तो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से जिस तरीके से डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट होता है, लोगों ने मुझसे पूछा सर इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी कोई नाम है, मैंने कहा हाँ जी इसका भी एक नाम है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका नाम रख दिया गया है ओवरहेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बेटा, ओवरहेड कॉस्ट। तो जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका ऑल्टरनेटिव नाम हम कह सकते हैं ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर पहला एलिमेंट है इनडायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट वेजेस, और तीसरा आपके पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने टेबल की इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाली है, आप किसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, शर्ट की भी निकाल सकते हैं। तो शर्ट के अंदर धागा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। हाँ जी शर्ट की यदि बात करें तो शर्ट में आपका जो धागा है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है जी। मशीन का जो डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का जो रेंट है, अब आप सोचोगे सर ये कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब होता है कि जब टेलर फैक्ट्री के अंदर सिलाई मशीन का यूज़ करके कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करता है, तो वो अपनी सिलाई मशीन को, स्विंग मशीन को शर्ट बनाने से पहले पहले उसकी सफाई करता है, उसमें ऑयलिंग करता है, सारे पार्ट्स खोलता है जहाँ जहाँ उसको लगता है धागा फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि यदि शर्ट बनाते टाइम धागा फंस गया बीच में तो शर्ट हो सकता है कपड़ा ख़राब हो जाए धागे फंसने की वजह से और उसमें मोटा सा छेद हो जाए। तो ऐसे में वो कुछ क्या करता है, ऑयल यूज़ करता है, एक कॉटन वेस्ट यूज़ करता है। कॉटन वेस्ट का मतलब होता है पुराना कॉटन का कपड़ा, जिससे वो मशीन को साफ़ करता है, उसमें ऑयलिंग करता है ताकि शर्ट पे कोई दाग ना लग जाए। वो जो वेस्ट कपड़ा यूज़ कर रहा है या जो ऑयलिंग में तेल यूज़ कर रहा है बेटा, उसे हम कहते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। क्या वो कपड़ा किसी एक शर्ट को बनाने के लिए यूज़ कर रहा है, क्या वो धागा जो मशीन में डाला गया एक शर्ट को बनाने के लिए किया गया, नहीं, वो खर्चा उसने एक से ज़्यादा के लिए किया। मान लीजिए वो एक दिन में कभी 10 शर्ट बनाता है, कभी 8 बनाता है, कभी 15 बनाता है, कभी 6 भी बनाता है, डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर या कितना उसके ऊपर लोड है। ये सारी चीज़ें डेली डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड कभी ज़्यादा होती है, डिमांड कभी कम होती है। तो जो खर्चा किया गया है कंज्यूमेबल स्टोर का, ये कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल। यानी सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी आपकी इनडायरेक्ट वेजेस है। मान लीजिए सारे के सारे खर्चे शर्ट को बनाने में 50 रुपये लगे, ये आपके हो गए 70 रुपये, ये सारे खर्चे आपके पास में मान लीजिए हो गए 120 रुपये। तो 120 रुपये प्लस 120 रुपये, यदि मैं इन सबको प्लस करूँ तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आती है 240 रुपये। तो शर्ट को बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट है 3200 रुपये, इनडायरेक्ट कॉस्ट है 240 रुपये। यदि मुझसे कोई पूछे जी शर्ट बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है और टेबल बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो शर्ट बनाने में मेरा जो टोटल खर्चा आया 3200 प्लस 240 3440, और टेबल बनाने में मुझे लगा ये 1700 रुपये। टेबल बनाने में मुझे लगाने पड़े 1700 रुपये डायरेक्ट कॉस्ट के, और इनडायरेक्ट कॉस्ट के लगाने पड़े 200 रुपये, मतलब कि 1900 रुपये। बात समझ में आ गई। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जब किसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करता है तो वो जानना चाहता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे टोटल कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और उस टोटल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए हमने एक आसान तरीका निकाला कि जिन खर्चों को इनकर करने के बाद यदि वो खर्चा एक मिनट बनाने में कितना लगेगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाए,
ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और यदि खर्चा इनकर होने के बाद मुझे ना पता चल पाए कि वो खर्चा मैंने एक यूनिट बनाने के लिए कितना किया, तो आप उसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है आपके पास है प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम बेटा क्या आपके लिए, ओवरहेड कॉस्ट। अब इतना सब कुछ पहले आप नोट कर लीजिए, और दो मिनट के बाद मैं आपको एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और दूंगा, किसका, ओवरहेड कॉस्ट का। सर क्यों दोगे? बेटा ओवरहेड कॉस्ट का क्लासिफिकेशन और इसलिए ज़रूरी है फर्दर, ताकि जब मैनेजमेंट अपनी टोटल कॉस्ट निकाल लेती है तो कॉस्ट को निकालने के बाद बेटा उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, कॉस्ट को कंप्यूट करने के बाद उस कॉस्ट को किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जब वो कॉस्ट टॉप मैनेजमेंट के सामने रखी जाए तो उनको भी समझ में आए कि जो गुड्स उनकी फैक्ट्री में बनने वाला है, जो मार्केट में बिकने वाला है, उसे बनाने में उनकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी, कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट है कौन सी इनडायरेक्ट है। तो खर्चों को हमें डिटेल में कैलकुलेट भी करना होता है और साथ में समझाना भी होता है, क्योंकि यदि समझ ही नहीं आया तो मैनेजमेंट कहता है जी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, आप क्या बोले जा रहे हो, कितने रुपए कितने रुपए कितने रुपए, किस बात के कितने रुपए खर्च हुए, हमें यह समझाना भी पड़ेगा। तो आप फटाफट से बेटे पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए भाई, देखिए भैया आप आगे का देखिए, अभी तक आपको मैंने कॉस्ट को दो पार्ट में समझाया था, डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट। अब थोड़ा सा फर्दर आपको समझना पड़ेगा किसके लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। यदि मुझसे कोई पूछे भी ओवरहेड कॉस्ट को यदि मैं मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं तो कैसे प्रेजेंट करूंगा? हाँ जी, मैंने कहा यदि मैं अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को टॉप मैनेजमेंट के सामने बताना चाहता हूं कितनी है, तो मैं उसे डिपार्टमेंट के हिसाब से बताऊंगा, डिपार्टमेंट वाइज। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तीन डिपार्टमेंट बना दिए, पहला डिपार्टमेंट हो गया फैक्ट्री, दूसरा डिपार्टमेंट हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा आपके पास हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, तीन हमारे डिपार्टमेंट हो गए। जो भी खर्चा इनडायरेक्ट नेचर का है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो आपके पास में इनडायरेक्ट लेबर हो, या वो खर्चा आपके पास में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से हो,
हाँ जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में बेटा तीन तरीके के खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं आपको बेटा समझाना क्या चाहता हूँ, बहुत ही काम का पॉइंट, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें तीन खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम का, इनडायरेक्ट लेबर के नाम का और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। यदि ये तीनों खर्चे फैक्ट्री के द्वारा इनकर किए जाए तो हम उसे कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। मान लो फेविकॉल, ठीक है जी, हेल्पर, प्रोडक्शन मैनेजर, हाँ जी, प्रोडक्शन मैनेजर का मतलब क्या हुआ, आप इसे ऐसे कह सकते हैं हेल्पर्स वेजेस, सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, फेविकॉल, हाँ जी, नेल्स हो गए आपके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम कह सकते हैं फैक्ट्री रेंट, डेप्रिशिएशन ऑन फैक्ट्री फिक्स्ड एसेट, जैसे एग्जांपल में मशीन ले ली हमने। यदि ये सारे के सारे खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे बेटे फैक्ट्री के द्वारा इनकर ना हो बल्कि ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा इनकर हो, जैसे स्टेशनरी, इंक, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ जर्नल मैनेजर, ऑफिस रेंट, डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस फिक्स्ड एसेट, जैसे कंप्यूटर लिख सकते हैं, यदि ये तीनों के तीनों खर्चे ना फैक्ट्री के द्वारा इनकर किए जाए ना ऑफिस, बल्कि ये सारे के सारे खर्चे सेलिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इनकर किए जाए, स्टेशनरी, ठीक है जी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, हाँ जी, ड्राइवर वेजेस, शोरूम रेंट, डेप्रिशिएशन ऑन सेलिंग फिक्स्ड एसेट, जैसे आपके पास हो गया डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का जो डेप्रिशिएशन है वो आपका सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बेटा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं कॉस्ट को निकालता हूँ तो मैं कॉस्ट को बोलता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी डिपार्टमेंट खर्च कर सकता है, तो मैनेजमेंट को पता कैसे चलेगा भाई कौन सा खर्चा किसने किया, कौन सा खर्चा किसने किया, ये मैनेजमेंट को पता कैसे चलेगा। और मैनेजमेंट ये जानना भी क्यों चाहता है किसने कितना खर्चा किया, वो इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि मैंने एक वर्ड आपको बताया था कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है यदि मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो गई तो मैं अपनी एक्चुअल कॉस्ट को वापस एस्टिमेटेड कॉस्ट के इक्वल लाना चाहता हूँ। ये मेरे लिए तभी संभव होगा जब मुझे पता चले कि कौन से जगह मेरी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो गई। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने खर्चों को डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटना पड़ेगा। क्योंकि अब तक क्या दिक्कत आ रही थी, ये सारे के सारे खर्चे सारे के सारे डिपार्टमेंट के द्वारा इनकर किया जा रहा था, तो मुझे नहीं पता चल पा रहा था कि डेप्रिशिएशन कौन से डिपार्टमेंट के फिक्स्ड एसेट का ज़्यादा है, स्टेशनरी का खर्चा कौन सी डिपार्टमेंट का ज़्यादा है, कौन से डिपार्टमेंट के सैलरी का खर्चा ज़्यादा है। तो ऐसे केस में मैंने देखा सैलरी यहाँ भी आता है, सैलरी यहाँ भी आता है, सैलरी यहाँ भी आता है, रेंट आपका यहाँ भी आता है, रेंट यहाँ भी आता है, रेंट यहाँ भी आता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई कौन से डिपार्टमेंट का रेंट का खर्चा एक्चुअल में एस्टिमेटेड से ज़्यादा है, कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी का खर्चा एस्टिमेटेड से ज़्यादा है, कौन से डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा ज़्यादा है। तो ऐसे केस में यदि इनका क्लासिफिकेशन
मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं करूँगा तो मैं मैनेजमेंट को कभी नहीं समझा पाऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में कॉस्ट ज़्यादा लगी, किस डिपार्टमेंट में मेरी कॉस्ट कम लगी। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक्चुअल कॉस्ट यदि मेरी एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए और मैं वापस अपनी बढ़ी हुई कॉस्ट को घटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इन खर्चों को किस में बांट दो, डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट दो। तो जैसे इन खर्चों को मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट दूंगा, इन सारे खर्चों का जो टोटल आएगा, ध्यान से समझना, ये जितने भी खर्चे होंगे, ये सारे खर्चे जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास एक टोटल खर्चा आ जाएगा। और इन टोटल खर्चों में इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा, इनडायरेक्ट लेबर भी होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा, और यदि मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास में इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी फैक्ट्री की। और जब मेरे पास में इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी फैक्ट्री की, तो बेटा मैं उसको क्या नाम दूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक इसी तरीके से मैं इस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद जब मेरे पास में टोटल अमाउंट आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक इसी तरीके से मेरे पास टोटल आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम की जगह मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि ये खर्चे कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है। और जब तक मैनेजमेंट को ये नहीं पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया, वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब तक कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी, हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हमें कम हुआ या हमारा प्रॉफिट हमें ज़्यादा। यदि कॉस्ट हमने एक्चुअल में ज़्यादा इनकर कर दी तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। जैसे मान लो मेरी कॉस्ट लगनी चाहिए थी 5 लाख रुपए फैक्ट्री में, फैक्ट्री के नाम का मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख रुपए लगनी चाहिए थी बच्चे, और लगी 6 लाख रुपए। तो मैनेजमेंट को तो पता ही नहीं चलेगा कि जो 1 लाख रुपए का खर्चा ज़्यादा हुआ है वो फैक्ट्री में ज़्यादा हुआ। वो तो सोच रहे कि सारे लोगों ने मिलकर 1, 2, 3 सब ने मिलकर 1 लाख रुपए खर्च किए। तो ऐसे में हम किसको दोष देंगे, किसको उस खर्चे का रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, वो तभी संभव है जब हम अपनी कॉस्ट में अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को किसके हिसाब से बांटेंगे, डिपार्टमेंट। अदरवाइज मैनेजमेंट तो यही नहीं समझ पाएगी कि खर्चा इसने ज़्यादा किया, बीच वाले ने ज़्यादा किया या इस वाले ने ज़्यादा किया। मेरी बात समझ में आ गई। तो हमें अपनी कॉस्ट को बढ़ने से रोकना भी है, अदरवाइज हर साल मेरी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, मेरा प्रॉफिट जितना मुझे होना चाहिए था वो पता ही नहीं चल पाएगा, और मेरा बिजनेस ग्रो करने की जगह बिजनेस क्या होगा, मार्केट में कम होता चला जाएगा, डाउनफॉल पर चला जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट उतना होगा नहीं जितना मैंने एक्सपेक्ट करके उस बिजनेस को शुरू किया था। चलिए भाई, तो आज की क्लास का बेटा दूसरा पॉइंट भी खत्म होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आज की क्लास में कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के बाद कुछ ऐसे पर्पस होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा नहीं कर सकता। पहला क्या था बेटा, आपने कहा सर कॉस्ट को कैलकुलेट करना। दूसरा, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना। तीसरा, यदि कोई सेलिंग प्राइस कस्टमर ने पहले ही हमें बता दी कि मैं ये पैसे दूंगा तो मुझे उस सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट। यदि मेरी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए तो मैं अपनी बढ़ी हुई कॉस्ट को कैसे घटाऊंगा, उसे कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। यदि मेरी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट के बराबर है और मैं चाहता हूँ कि अगली बार मेरी एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और यदि कोई प्रोडक्ट मैं अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूँ और उसको बनाने में जो सामान लगता है वो मैं बाहर से खरीद रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि वो सामान मैं बाहर से ना खरीदूँ, खुद बना लूँ, तो उसके लिए जो सामान मैं बाहर से खरीद रहा था उसे बनाने में कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो बेटा मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लगेगी, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी अभी तक की। दूसरा पॉइंट, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले मुझे पता लगाना पड़ता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ उस काम को करने में मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी। तो पहला मुझे है अपनी कॉस्ट को डिवाइड किया मैंने डायरेक्ट, और दूसरा बेटा मेरे लिए हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब खर्चा करने के दौरान या करने से पहले आपको पता चल जाए कि वो खर्चा एक के लिए कितना हुआ, डायरेक्ट है। और खर्चा करने के बाद आपको नहीं पता चल पा रहा कि वो खर्चा एक के लिए कितना है तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट। छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, मैंने अभी मार्कर की इंक यूज़ की है इस पेन से, आप बता सकते हो कि ये इंक का खर्चा मैंने एक बच्चे पे कितना किया, मैं खुद नहीं बता सकता। जो मार्कर मैंने यहाँ पर यूज़ किया बोर्ड पर पढ़ाने के लिए, इस समय मैं अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है जी, और ये रिकॉर्डिंग जब मैं आपको दिखाऊंगा
तो मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग एक स्टूडेंट देखेगा, दो देखेगा, पांच देखेगा, दस बच्चे देखेंगे, सौ बच्चे देखेंगे, पाँच सौ बच्चे देखेंगे, हज़ार बच्चे देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इस क्लास का व्यू कितने स्टूडेंट देखेंगे, तब तक मैं इनका खर्चा नहीं पता लगा सकता कि एक बच्चे पे कितना लगा। मतलब कॉस्ट तो मेरी इनकर हो रही है, जैसे मैं लिख रहा हूँ पेन का खर्चा हो रहा है, बट पेन का खर्चा एक बच्चे पे कितने रुपए का हो रहा है वो पता लगाना मेरे लिए पॉसिबल अभी नहीं है। जब तक कि मुझे ये ना पता चल जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक महीने में या एक साल में या छः महीने में या दो महीने में, जब तक ये वीडियो जहाँ पर भी मैं लोड करूँगा वहाँ पर रहेगी, तब तक कितने लोगों ने इसको देखा। बात समझ में आ गई ना मेरी? तो चलिए नोट कर लीजिए अभी सारी चीज़ें। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को घटाकर। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रॉफिट को बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग प्राइस कर दो तो कस्टमर से ज़्यादा पैसे मिलेंगे सेल वैल्यू के और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो भूल जाते हैं कि यदि मेरी एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कम भी हो जाए तो भी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक यूनिट बनाने पे जो प्रॉफिट हमें मान लीजिए सपोज करते हैं मान लो पहले हमारा एक यूनिट बेचने पर हमें दो रुपए का प्रॉफिट होता था और हम एक लाख यूनिट बेचते थे तो हमें दो लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ा और समझा और अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया कि यदि मैं गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट आठ रुपये लगा रहा था वो यदि किसी तरीके से सात रुपये कर सकूं तो मेरा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस बढ़ाने की जगह कॉस्ट को घटाने से भी बढ़ सकता है, और मेरा प्रॉफिट दो लाख से कितना हो जाएगा, तीन लाख। तो हर बिजनेस चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट को इस तरीके से बढ़ाओ कि सेलिंग प्राइस ना बढ़ानी पड़े लेकिन कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कॉस्ट पर यूनिट को कम करने के लिए हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब वो तभी आप कर सकते हो कॉस्ट को कम जब आपको ये पता लगे कि गुड्स को बनाने में कौन कौन से खर्चे कितने लगे। तो उसी को समझाने के लिए मैंने आपका समय लिया जिसका नाम है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। चलिए बेटा इतना सब कुछ नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो आज का आखिरी पॉइंट होगा वो ये होगा कि कॉस्ट को प्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए भाई, तो आज की क्लास में एक तरीके से मैं आपको तीन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा यानी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, और तीसरा प्रेजेंटेशन यानी कॉस्ट को कैसे सुटेबल तरीके से प्रेजेंट करनी है। तो यदि हम सबसे पहले यह पता लगा लें कि जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस किससे संबंधित है। अब आप कहोगे सर किससे संबंधित का मतलब, यदि उस बिजनेस का संबंध गुड्स से है, किसी वस्तु से है या सर्विसेज से है, तो ऐसे केस में हम अपनी कॉस्ट को प्रेजेंट करने के लिए क्या बनाएंगे। हाँ जी, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि जो कॉस्ट हम निकालेंगे उस कॉस्ट को निकालने के बाद उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसका डिपेंड करता है किस पे, कि हमारा जो बिजनेस है उसकी नेचर क्या। यदि हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर हम
रॉ मटेरियल को खरीद कर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर मार्केट में सेल करते हैं, तो इसका मतलब हमारा जो बिजनेस है वो कौन सा बिजनेस हो गया? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये जानना चाहते हैं कि जो गुड्स वो प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचेंगे उसको बनाने में उनकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, कस्टमर को वो कितने रुपए की सेल वैल्यू बताएंगे, कितना प्रॉफिट वो कमा लेंगे एक साल में। यदि ये सारे के सारे पॉइंट हम जानना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के, कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में उसको बेचने में कितने पैसे लगेंगे, बेचने के बाद कस्टमर से कितने रुपए की सेल वैल्यू मिलेगी, बेचने के बाद आप कितने रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे, यदि ये तीन सपने मैन्युफैक्चरर के आप पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए बताइए मैं किसको अपॉइंट करूं। तो यहां पर मेरे पास दो अकाउंटेंट हैं, एक का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा हमारे पास है चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका शॉर्ट फॉर्म है CA। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि यदि हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए ये पता लगाना चाहते हैं कि गुड्स को बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी, सेल वैल्यू कितनी रखी जाए, हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी सेल वैल्यू रखी जाएगी, मतलब सारी की सारी चीज़ें एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी एस्टिमेशन की बात आती है वहाँ पर हम रखते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, और जहाँ भी हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, एक्चुअल सेल वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रॉफिट, तो हमें अपॉइंट करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ध्यान रखना जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट है उस कॉस्ट अकाउंटिंग में सारा का सारा काम लगभग कौन से बेसिस पे होता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे। और जब काम आपका एस्टिमेटेड बेसिस पे होगा तो उसके लिए हम एक सेपरेट पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसका फुल फॉर्म है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो आप सोच रहे होंगे सर अलग से एक बंदे को क्यों अपॉइंट कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही ये काम क्यों नहीं करवा लेते, वो भी तो एस्टिमेशन का काम कर सकते हैं, उनको भी तो पूरी नॉलेज होती है। बिल्कुल सही बात है, नॉलेज होती है बेटा, नॉलेज होती है मैं मानता हूँ, लेकिन यदि एक ही पर्सन से दोनों काम करवा दिए जाएँ तो बेटा एक्यूरेसी, ट्रू एंड फेयर वैल्यू का पता नहीं चलेगा। जैसे बेटे आप ही से मैं कहूँ कि क्वेश्चन पेपर भी एग्ज़ाम में कॉस्ट अकाउंटिंग का आप ही को बनाना है, बेटा चेक भी वे आप ही को करना है, मतलब बनाने का काम भी आपको करना है, चेक भी आपको करना है, और सबसे बड़ी बात है पेपर भी आपको ही करना है, मतलब पेपर भी आप ही करोगे, अपना पेपर भी खुद चेक करोगे और पेपर भी खुद ही बनाओगे, सारे काम एक ही बंदा करेगा, तो आपको क्या लगता है कितने नंबर आएंगे, 80, 85, 100 में से 100, खुद बताओ। तो आप कहोगे सर क्या बात करते हो, यदि पेपर भी मैंने बनाना है, चेक भी मैंने करना है, करना भी मैंने है, तो मैं तो वो क्वेश्चन पेपर में डालूंगा जो मुझे आते होंगे, चेक मैंने करना है तो मुझे पता है मैंने कोई गलती की नहीं है, गलती होने का कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब है 100 में से 100। अब यदि हर बच्चा ऐसे ही करेगा, 100 में से 100 देगा, तो ऑल इंडिया में यदि मान लीजिए 20,000 बच्चों ने पेपर दिया तो सारे के सारे रैंक होल्डर बन जाएंगे, रैंक वन आ जाएगी सबकी। बेटा एक इंस्टीट्यूट में यदि सारे के सारे बच्चे रैंक होल्डर होंगे तो बताओ उस इंस्टीट्यूट के रिजल्ट पे कौन विश्वास करेगा, ट्रू एंड फेयर पोजीशन तो सामने आई नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने कहा जी पेपर चेक करने का काम कोई और करेगा और पेपर को लिखने का काम कोई और करेगा, तो इंस्टीट्यूट ने पेपर लिखने का काम तो बच्चे को दे दिया और चेक करने का और बनाने का काम खुद रख लिया, मतलब दो लोग हो गए ना, अब दो सेपरेट अलग अलग पर्सन हो गए। ठीक उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन यदि अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कहते हैं एस्टिमेशन का काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को दो, और उसके लिए सरकार ने अलग से एक इंस्टीट्यूट का सेटअप कर दिया जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसके अधीन अंडर कौन सा बंदा काम करता है, CMA। ठीक उसी तरीके से यदि कोई फाइनेंशियल मैटर है, मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात की जाए, आपको अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है पब्लिक को या टैक्सेशन की कैलकुलेशन करनी है, तो कहीं ना कहीं हम एक सेपरेट इंस्टीट्यूट को बनाते हैं जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और उसके लिए जो उनका मेंबर है, जो उनका आदमी है, जो उनका पर्सन है, उसको हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो उनके नियम के हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस समय मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए ये समझाऊंगा कि यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये जानना चाहते हैं कि गुड्स को बनाकर बेचने में उनका कितना खर्चा होगा, कितनी सेल वैल्यू रखी जाए, कितना प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया, CMA को, और CMA कहते हैं कि यदि आप मेरे से ये सारा काम करवाओगे तो मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको क्या बना के दूंगा, कॉस्ट शीट बना के दूंगा। तो लोगों ने पूछा जी कॉस्ट शीट का मतलब क्या, तो CMA ने जवाब क्या दिया, कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहां पर सिस्टमेटिक तरीके से हम अपनी कॉस्ट को
शुरू से लेकर आखिर तक कैसे इनकर करेंगे, किस ऑर्डर में इनकर करेंगे वो आपको तरीका बताएंगे, फिर उसमें कितना हमें प्रॉफिट चाहिए वो प्रॉफिट ऐड करेंगे, ताकि मैन्युफैक्चरर को पूरे साल में जो गुड्स बनाकर बेचना है उसकी सेल वैल्यू कितनी उसको मिलेगी। दूसरा केस है सर्विसेज का। यदि आप लोग सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, तो सपोज करते हैं आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस की ज़रूरत है, अब यदि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है या आपको गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को भेजना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट सर्विस की। सपोज करते हैं हम बस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बस होगी। अब यदि एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हाँ जी, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो किसका बेनिफिट लेगा? टैक्सी का भी ले सकता है, मेट्रो का भी ले सकता है, बस का भी ले सकता है। तो यहाँ मैं अपने कस्टमर को कोई सामान नहीं बेच रहा, बल्कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने का काम कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर का मतलब जो बस चलाने का काम करता है, ठीक है जी, राम ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो लोगों के लिए बसेस चलाने का काम करते हैं। अब राम ट्रांसपोर्ट कंपनी एक ऑपरेटर है, सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो ऐसे में जानना चाहते हैं कि जो सर्विसेज हम अपने पैसेंजर को देंगे, मान लो यहाँ पे हमने एक पैसेंजर भी बिठा दिया, ये हमारी बस है, इसमें मान लीजिए सीट लगी हुई है, इस सीट पर हमने एक पैसेंजर को भी बिठा दिया, ये हमारा ड्राइवर है जो बस को चला रहे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पैसेंजर पर एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने में हमारा खर्चा कितना हुआ, मतलब हम उसे कौन सी सर्विस दे रहे हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पर राम ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रांसपोर्टर है, जो आपको बस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने की, वो जानना चाहता है कि इस पैसेंजर पर मुझे कितना खर्चा करना पड़ा, इससे मुझे कितना किराया लेना चाहिए, इससे मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, मतलब कि मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, मुझे सर्विसेज देने पे रेवेन्यू कितना मिलेगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा। यदि ये सारी चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ, और इसके लिए फिर से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, तो हमने कहा हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, हमारा कितना रेवेन्यू आएगा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें यदि एस्टिमेटेड बेसिस पे चल रही है, तो कंपनी चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस हो, वो सारे के सारे लोग किसको अपॉइंट करते हैं? सीएमए को। और सीएमए कहते हैं ऐसे केस में हम ये सारी चीज़ें आपको निकाल के तो दे देंगे, बट उसके लिए हम क्या बनाएंगे? यदि ये सारी के सारी चीज़ें हमें सीएमए से कैलकुलेट करवानी है, तो सीएमए कहते हैं जी इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? तो आज का पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट है कि कॉस्ट को कैसे प्रेजेंट करना है। तो कॉस्ट को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस की नेचर चेक करनी पड़ेगी, कि जो बिजनेस जिसके लिए आप कॉस्ट निकालना चाहते हैं उसका संबंध गुड्स से या उसका संबंध लोगों को सर्विसेज देने से। फटाफट से नोट कर लीजिए, तो देखिए आपको सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए हम छोटे छोटे एग्जांपल लेते रहेंगे बीच बीच में, कभी कार का, कभी बस का, कभी ट्रक का, कभी प्लेन का, कभी पेड़ पौधे का, कभी फ्लाईओवर का, इस तरीके के। तो आपको मेरी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएंगी कि आज की क्लास का कनेक्शन क्या, किससे क्या कनेक्शन है। तो जब कोई भी काम
हम करते हैं और उस काम की कॉस्ट हमें एस्टिमेटेड बेसिस पे चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके लिए किसको अपॉइंट करना है? सीएमए को। और यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपसे पूछे कि जो मैं गुड्स बनाकर बेचना चाहता हूँ उसको बनाने में मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है जी, और उसे सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट करो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सीएमए को अपॉइंट करना है। और सीएमए हमारे लिए क्या करेगा? एक कॉस्ट शीट बना के देगा। तो आज की क्लास में बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या है? कॉस्ट शीट। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बनाई जा रही है, किसके द्वारा? सीएमए के लिए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को हम बता सके कि उनका खर्चा, उनकी सेल वैल्यू और उनका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाते टाइम आप ध्यान रखो, सबसे पहले हमने जो खर्चा किया था आज की क्लास में जो पॉइंट नंबर 2 था, उसमें हमने अपनी कॉस्ट को डिवाइड किया था किस किस में, हमने अपनी कॉस्ट को डिवाइड किया था किसमें, उसी के हिसाब से बेटा कॉस्ट शीट बनेगी। पहला आपके पास क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल। दूसरे नंबर पे क्या था? डायरेक्ट वेजेस। तीसरे नंबर पे आपके पास था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चौथे नंबर पे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट अकाउंटेंट ने उसको डिपार्टमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, और एक आपके पास है सेलिंग ओवरहेड। तो फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग ओवरहेड हमने डिपार्टमेंट के हिसाब से इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक अल्टरनेटिव नाम दे दिया, ताकि हमें पता चल सके कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा कितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी, और जिस भी डिपार्टमेंट की इनडायरेक्ट कॉस्ट उसकी लिमिट से ज़्यादा होगी उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को बुलाकर उससे पूछा जाएगा कि क्यों आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगी। वो हमें वजह बताएंगे और अगली बार उन वजहों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कॉस्ट को वापस क्या करेंगे? कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब कॉस्ट कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट को इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से ना लिखकर उसको किसके नाम से लिखते हैं? डिपार्टमेंट के नाम से। चलिए अभी आगे चलते हैं, ये बहुत बेसिक पॉइंट बताया मैंने आपको। अब आगे, तो नंबर वन हमारी कौन सी कॉस्ट है? हाँ जी, नंबर वन हमारी कौन सी कॉस्ट है? एक, नंबर टू डायरेक्ट वेजेस, नंबर थ्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नंबर फोर फैक्ट्री, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है जी, इतना। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कॉस्ट शीट बना रहे हैं, और उस कॉस्ट शीट में हमने शुरुआत की किससे? डायरेक्ट मटेरियल से, प्लस डायरेक्ट वेजेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों खर्चों को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरे पास जो कॉस्ट आ जाएगी उस कॉस्ट का नाम क्या रखा भी हमने, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं और हम इसे कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, इतना। तो इन तीनों कॉस्ट का जो सम है उसे मैंने आपको कहा था डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं और प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि मैं इस प्राइम कॉस्ट के अंदर खर्चा जोड़ दूं किसका? फैक्ट्री ओवरहेड के नाम का, तो मेरे पास जो कॉस्ट आ जाएगी उस कॉस्ट का नाम होगा फैक्ट्री कॉस्ट। सर, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? प्राइम कॉस्ट में सिर्फ अभी तक की डायरेक्ट कॉस्ट शामिल है, और यदि उस डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री का जो खर्चा हुआ है उसे भी जोड़ दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने में अब तक के सारे खर्चे कितने हैं। तो फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने में अभी तक आपके 4 खर्चे हुए, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, डिज़ाइन का खर्चा, और उसको बनाने में जो फैक्ट्री का रेंट, लाइटिंग, इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, सुपरवाइजर की सैलरी लगी, वो सारे खर्चे कितने हैं?
जब मैंने उन खर्चों को जोड़ दिया तो मेरे पास जो कॉस्ट निकली उसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट। अब आगे देखिए, इसमें हमने ऐड कर दिया ऑफिस ओवरहेड, तो हमारे पास एक कॉस्ट आ गई, उस कॉस्ट का हमने नाम रख दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जो गुड्स हमारा बना उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, अब कितना गुड्स बना उसकी कॉस्ट है, मुझे निकालना है प्रॉफिट। ध्यान से समझिए, यदि मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी निकालना है तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सोल्ड इनटू टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जब मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेल वैल्यू उस क्वांटिटी की चाहिए होती है जो क्वांटिटी मैंने बेची है। यदि प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सेल वैल्यू उस क्वांटिटी की चाहिए जो क्वांटिटी मैंने बेची है तो मुझे कॉस्ट भी उस क्वांटिटी की चाहिए होगी जो क्वांटिटी मैंने बेची है। कहने का मतलब है कि सेल वैल्यू और टोटल कॉस्ट दोनों की दोनों किससे रिलेटेड होनी चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड से। अब मेरे सामने दिक्कत क्या आ रही है, ये जो मेरी कॉस्ट है उसका संबंध प्रोडक्शन से है ना कि सेल से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सेल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी किससे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और दूसरा नाम है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो आपको बताता भी कितनी क्वांटिटी आपके पास थी और कितनी क्वांटिटी आपके पास में बची हुई है। तो 1 जनवरी, मान लीजिए हमारे पास है 1 जनवरी 2020 और ये है 31 दिसंबर 2020, और 1 जनवरी से लेके हमने 31 दिसंबर तक कितनी क्वांटिटी बनाई, तो पूरे साल में कितना गुड्स बनाया, कितना गुड्स मेरे पास 1 तारीख को था, कितना गुड्स मेरे पास 31 दिसंबर को बचा, तो पूरे साल में कितना बनाया, कितना पहले से था। मान लो मैंने 9000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर बनाई, 1000 मेरे पास पहले से था, तो मेरे पास हो गया टोटल 10, और 10 में यदि क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास में 2000 बच गया तो 9000 प्लस 1000, 10000 में से 2000 यदि बच भी गया तो मैं कहूँगा मैंने कस्टमर को कितना सामान बेच दिया, 8000। तो मुझे यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालना है वो कितनी यूनिट का निकालना है, 8000 का। तो यदि मुझे प्रॉफिट 8000 यूनिट का निकालना है तो मुझे अपनी कॉस्ट को जो मेरे पास 9000 की थी उसे 9000 से किस पे लाना पड़ेगा, 8000 पे। तो यदि मैं अपनी कॉस्ट को 9000 से 8000 पे लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर यहाँ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो हम इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह शॉर्ट में कह देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि सर यहाँ भी प्रोडक्शन लिखा है, यहाँ भी प्रोडक्शन लिखा है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब है जितना बनाया उसकी कॉस्ट, और यहाँ पे जितना मैंने बेचा उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट 9000 यूनिट की है और यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट 9000 की नहीं है, उतनी यूनिट की है जो यूनिट मैंने बेची है। डिफरेंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे तो देखिए, ऑर्डर के हिसाब से काम चल रहा है, पहला खर्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और लास्ट आपके पास कौन सा है, सेलिंग, सेलिंग ओवरहेड। तो मेरे पास अब जो कॉस्ट आएगी उसका नाम है टोटल कॉस्ट, जैसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। अच्छा, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उतना प्रॉफिट आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैनेजमेंट जितना भी प्रॉफिट कहते हैं हमें होना चाहिए उतना प्रॉफिट यदि आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्स वैल्यू आ जाएगा। तो अभी जो मैंने कॉस्ट शीट बनाई है उसमें मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं ली, मतलब सिंपल कॉस्ट शीट बनाई है। सिंपल कॉस्ट शीट का मतलब जो खर्चों के नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैंने कॉस्ट शीट बनाई है। अब यदि कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएं तो फिर आपकी कॉस्ट शीट में कुछ फेरबदल हो जाएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ी देर में काम करूँगा। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मेट याद हो जाए सबसे पहले, ठीक है ना भाई।
आप नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। देखिए भाई, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। ये जो एग्जांपल है इसमें कॉस्ट शीट में वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। अब इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे तो थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं इस फॉर्मेट के हिसाब से कॉस्ट शीट बनाने के लिए। तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन में लिखा है डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख रुपीज़, यानी डायरेक्ट वेरियंस हमारे पास है 4 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। आप सोचोगे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या क्या चीजें आती है, थोड़ी देर में बेटा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि एक क्लास में सारे पॉइंट कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, प्रॉफिट, और लास्ट में लिखा होगा प्रिपेयर कॉस्ट शीट। ठीक है जी, तो कॉस्ट शीट का ये फॉर्मेट जो अभी आपके सामने बिल्कुल सिंपल है उसमें बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। बट पहले चमत्कार से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। खर्चे लिख लो 60% ऑफ वेजेस, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखिए एग्जांपल में सबसे पहले जब मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो मुझे सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है। उस फॉर्मेट में डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए, डायरेक्ट वेजेस 4 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 रुपए, फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का 60% है। तो फैक्ट्री का खर्चा यदि मैं निकालना चाहता हूँ तो मुझे डायरेक्ट वेरियस चाहिए 4 लाख रुपए दे रखिए क्वेश्चन में, और कॉस्ट से कंटेंट कहता हूँ मुझे लगता है कि फैक्ट्री का खर्चा जो वेरियस का खर्चा है उसका 60% होगा, मतलब कि 2,40,000 रुपये। अब ध्यान दीजिए, यदि मुझसे कोई पूछे भी आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी है तो मैं कहूँगा जी 9,10,000 रुपये, और फैक्ट्री का खर्चा कितना होगा 11,50,000 रुपये। हाँ जी, 9,10,000 में 2,40,000 रुपये आपने जोड़ दिए तो आपके पास आ जाएगा 11,50,000। अब ऑफिस का खर्चा कितना है, तो ऑफिस का खर्चा फैक्ट्री कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटेंट कहता है मुझे लगता है 20% होगा, लगता है मतलब कि एस्टिमेशन कर रहा है वो। अब आप सोचोगे परसेंटेज कैसे निकलती है, तो बेटा इसके लिए
एक सेपरेट चैप्टर है जिसका नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग, जहां पर भी ओवरहेड की डिटेल स्टडी करनी होगी उसके लिए आपका एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है ओवरहेड कॉस्टिंग। अभी हम यहां पर सिर्फ कॉस्ट शीट से संबंधित बातें कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। अब मैंने लिखा भाई फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास है 11,50,000 रुपये और इसका मुझे 20% निकालना है, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी और कैलकुलेटर मेरे सामने है इस समय। हाँ जी बताइए जल्दी से कितना आएगा। तो 11,50,000 का आपके पास कितना आ जाएगा इंटू 20%, 2,30,000 रुपये, 2,30,000। जैसे ही मैंने इसको प्लस किया मेरे पास में कितना आ जाएगा, हाँ जी 13,80,000 रुपये। फिर हमने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर दी किसकी, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की, जो कि मेरे पास है 20,000 और 30,000। तो ऐसे केस में मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 13,70,000 रुपये। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भैया, 11,50,000 का 20% आ गया 2,30,000, 11,50 प्लस 2,30 हो गया 13,80, 13,80 में 20 प्लस किए और 30 माइनस किए 13,70। अब सेलिंग ओवरहेड हमें क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ कितना, 40,000 रुपये। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 40,000 रुपये जोड़ने के बाद, 14,10,000 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमें जो प्रॉफिट कमाना है वो हमारी टोटल कॉस्ट का कितना होगा, हमें जो प्रॉफिट कमाना है वो हमारी कॉस्ट का कितना होगा, कितना होगा भाई टोटल कॉस्ट का 20%। अब टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 14,10,000 और इसका मुझे निकालना है 20%। तो 14,10,000 का 20% कितना लिखेंगे भाई जल्दी से बताओ, हाँ जी 2,84,000। अब ऐसे में फाइनली आपके पास सेलिंग वैल्यू आ जाएगी। तो यदि मैंने 14,10,000 का 20% निकाला तो मेरे पास आ गया 2,84,000। तो सबका टोटल यदि करते हैं तो कितना आता है, 16,94,000। चेक कर लो, ठीक है जी 16,94,000। तो सर क्या इतनी आसान होती है कॉस्ट शीट, हाँ जी बिल्कुल आसान होती है कॉस्ट शीट यदि आपके पास में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यदि इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट शीट में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे और ऐड हो जाएगी, बात समझ रहे हो। तो पहला एक सिंपल एग्जांपल आपका ख़त्म हुआ। अब क्या सर कॉस्ट शीट में कुछ और आइटम ऐड हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल ऐड हो सकती है, बिल्कुल ऐड हो सकती है। तो एक काम करते हैं, वो सारी आइटम जो कॉस्ट शीट में आ सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए भाई यानी कॉस्ट शीट के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्वेश्चन में रॉ मटेरियल मान लीजिए परचेज लिखा हुआ दिखाई दे, एग्जाम्पल नंबर 2 समझो इसको आप, हाँ जी रॉ मटेरियल परचेज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर लिखा है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ जी फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब यहां पे एग्जाम में एक पॉइंट आपको मिल सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का, 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फोर्टी परसेंट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है जी। सेलिंग ओवरहेड
यानी क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास में रॉ मटेरियल परचेज है वो सपोज करते हैं 2 लाख रुपए दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास है 10,000 रुपये, क्लोजिंग आपके पास है 20,000 रुपये, वेजेज आपके पास है 1,10,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास है 30,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आपके पास है 60% ऑफ वेजेस, हाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है वो आपके पास है 50,000 रुपये, सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 40,000 रुपये, ठीक है जी। अब हाँ जी हमारे पास लिखा है ओपनिंग स्टॉक और हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, एक हमें दे रखा है WIP का वर्क इन प्रोग्रेस का और एक हमें दे रखा है फिनिश गुड्स का। WIP का मतलब है इनकम्प्लीट गुड्स और फिनिश गुड्स का मतलब है 100% कम्प्लीट गुड्स। मान लो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, हाँ जी फिनिश गुड्स की वैल्यू दे रखी है 25,000 रुपये, 40,000 रुपये। हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ नए पॉइंट ऐड कर दिए मैंने, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है जी। हमने लिखा पैकिंग चार्जेस, अब पैकिंग चार्जेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है वो पैकिंग चार्जेस जिसके बिना गुड्स को सेलेबल नहीं बनाया जा सकता, मतलब यदि किसी प्रोडक्ट को सेलेबल बनाना है तो सेलेबल तभी होगा जब उसके ऊपर कोई ना कोई पैकिंग होगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनी यदि वो कोल्ड ड्रिंक बेचना चाहती है, लिक्विड बेचना चाहती है, तो प्लास्टिक की बॉटल जरूरी है लिक्विड को बेचने के लिए। आप कहते हो सर 0.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक दे दो, 1 लीटर की भैया बॉटल दे दो, 2 लीटर की बॉटल दे दो, मांग कोल्ड ड्रिंक रहे हो साथ में बॉटल भी बोल रहे हो, क्योंकि बिना बॉटल के कोल्ड ड्रिंक बेचना पॉसिबल नहीं है। तो वो जो बॉटल आपने कोल्ड ड्रिंक को बेचने के लिए इस्तेमाल की है उस बॉटल की कॉस्ट को हम कहते हैं प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। लेकिन हाँ जी लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर हमें लार्ज क्वांटिटी बॉटल की बेचनी है तो हम क्या करते हैं 0.5 लीटर के 10 पैकेट इकट्ठे करके प्लास्टिक की अलग से पैकिंग लगा देते हैं। तो जो प्लास्टिक की अलग से पैकिंग लगाई जाती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, ठीक है जी। तो 2 मिनट के लिए पहले सारे पॉइंट्स नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए भैया आगे की बात, हाँ जी पैकिंग चार्जेस की यदि हम बात करें तो पैकिंग चार्जेस हमारे पास में मान लीजिए सपोज करते हैं 30,000 रुपये दिए हुए हैं, जिसमें प्राइमरी पैकिंग चार्जेस हमारे पास में 18,000 रुपये और सेकेंडरी हमारे पास है 12,000 रुपये, मतलब 30,000 की ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है जी। फिर हमारे पास में एक पॉइंट है R&D एक्सपेंडिचर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। R&D एक्सपेंसेस मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 35,000 रुपये और इस 35,000 का उन्होंने हमें ब्रेकअप बता रखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है जी। अब रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन का मतलब क्या वो समझा देता हूँ। इन शॉर्ट कोई भी खर्चा यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालने के लिए कंसीडर किया जाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले पहले यदि उस खर्चे को लिखा जाए तो हम कहते हैं उसका संबंध प्रोडक्शन से है, और यदि कोई भी खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद लिखा जाए तो हम कहते हैं उस खर्चे का संबंध कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी 10 से 15 मिनट आपके और लगेंगे, देन इसके बाद कॉस्ट शीट के सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। देखिए भाई सबसे पहले मैं आपके लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ उसके हिसाब से काम करते हैं, 15 मिनट का टाइम आपका करीब और लगेगा, चीज़ें ज़्यादा हैं इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेज,
प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जी मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मेरे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट जी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड साथ में मुझे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी WIP की तो ये सारी बातें हम बात करेंगे अगली क्लास में क्योंकि एक क्लास में सारी चीज़ें समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्राइमरी पैकिंग चार्जेस R&D एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस प्लस R&D एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा सेल कोई भी खर्चा जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले पहले लिखा जाए उसे हम कहते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन और यदि कोई भी खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद लिखा जाए तो हम उसे कहते हैं नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ऐसे में जो फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है यदि मैं उसकी वैल्यू क्वेश्चन से देख देख के लिखूं तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि रॉ मटेरियल परचेज मेरे पास कितना है हाँ जी रॉ मटेरियल परचेज मेरे पास है 2 लाख रुपये ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 10,000 रुपये क्लोजिंग मेरे पास है 20,000 रुपये तो रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम किया 1,90,000 का फिर वेजेस आपके पास है 1,10,000 रुपये और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास है 30,000 रुपये तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,30,000 रुपये आपके पास आ गया प्राइम कॉस्ट अब यदि 3,00,000 आपके पास में प्राइम कॉस्ट आ गया तो फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का मतलब 1,10,000 का 60% है तो 1,10,000 का 60% हो गया 66,000 WIP की वैल्यू 12,000 है ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास है 18,000 तो सबसे पहले हमने क्या किया 3,30,000 में प्लस किया 66,000 यानी 3,30,000 में हमने प्लस किया 66,000 हमने प्लस किया 12,000 और माइनस कर दिया 18,000
तो हमारे पास आ जाएगा 3,90,000 रुपये। अब क्वेश्चन में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 50,000 रुपये है और इस 50,000 रुपये में 60% रिलेटेड टू प्रोडक्शन है और 40% नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के 50,000 रुपये हमने खर्च किए उसमें से 60% जो 30,000 रुपये का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए किया गया। अब ध्यान से सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो 50,000 का खर्चा किया उस 50,000 का 60% 30,000 का खर्चा उन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस करने से संबंधित कामों के लिए खर्च किया। तो यदि गुड्स को प्रोड्यूस करने से संबंधित कामों के लिए 30,000 रुपये खर्च किए तो हम उसे यहाँ पे लिख देंगे, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 50,000 इंटू 60% 30,000 रुपये। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बन रहा है उसकी क्वालिटी गिर ना जाए, उसके लिए हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जिसका खर्चा लिखा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। और मान लो वो कॉस्ट हमारे पास है क्वेश्चन में 15,000 रुपये, तो हमने 15,000 रुपये लिख दिया। हाँ जी, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस आपके पास है 18,000 रुपये और सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस आपके पास है 12,000। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 50,000 का 40% नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसका ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का 50,000 का 40% जो 20,000 रुपये खर्चा है उसका संबंध गुड्स को बनाने से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे खर्चे जिसका रिलेशन प्रोडक्शन से है वो ऊपर लिखना है और जिसका संबंध प्रोडक्शन से नहीं है उसको नीचे लिखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी कॉस्ट का संबंध प्रोडक्शन से है और वो कितनी कॉस्ट है और कौन सी ऐसी कॉस्ट है जिसका संबंध प्रोडक्शन से तो नहीं है लेकिन टोटल कॉस्ट से है। तो ऐसी कॉस्ट जिसका संबंध प्रोडक्शन से नहीं है टोटल कॉस्ट से है उसे प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद लिखना है, और ऐसी कॉस्ट जिसका संबंध गुड्स को बनाने से है वो कितनी है उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उस कॉस्ट को निकालने के लिए हमें वो सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले पहले लिखने पड़ेंगे जिनका संबंध कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है। हाँ जी, R&D एक्सपेंसिव 35,000 रुपये है और उस 35,000 में से 20,000 का खर्चा हमने ऐसी रिसर्च पे किया जिससे कस्टमर को जो कुछ बना के दिया जाएगा वो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करेगा। तो जो कुछ मैं कस्टमर को बना के दूंगा वो कस्टमर को कैसा मिलेगा, कैसा दिखेगा, क्या साइज़ होगा, क्या वेट होगा, क्या क्वालिटी होगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे उसके लिए जो रिसर्च की गई है उस पर हमारे 20,000 रुपये खर्च हो गए। तो गुड्स को प्रोड्यूस करते टाइम जो R&D की जाती है ताकि प्रोडक्ट वैसा बने जैसा कस्टमर को चाहिए उसके लिए जो R&D का खर्चा हुआ उसको कहते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और गुड्स को बनाने के बाद वो गुड्स मार्केट में कहाँ बेचा जाए उस मार्केट की रिसर्च करनी है तो उसके लिए बेटा जो खर्चा किया जाता है उसको कहते हैं नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सेलिंग ओवरहेड मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपये। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और मेरे पास है 40,000 रुपये। अब सबको जोड़ लो। हाँ जी, 3,90,000 में हमने ऐड किया 30,000 रुपये, हमने ऐड किया 15,000 रुपये, हमने ऐड किया 18,000 रुपये और हमने ऐड किया 20,000 रुपये, तो मेरे पास आ जाएगा 4,73,000 और इसमें प्लस किया 25 माइनस किया 40 तो मेरे पास आ जाएगा 4,58,000। हाँ जी, 4,58,000 में प्लस किया 40,000 रुपये, हाँ जी 4,58,000 में हमने प्लस किया 40,000 रुपये, प्लस किया 20,000 रुपये, प्लस किया 12,000 रुपये और प्लस किया 15,000 रुपये, 5,45,000 रुपये। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट हो, हाँ जी FG, वो हमारा 10% हो टोटल कॉस्ट का, तो 5,45,000 का 10% हो गया 54,500। तो हमारे पास जो सेल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5,99,500। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा होगा प्रिपेयर कॉस्ट शीट, तो आपको समझ में आ गया होगा आज की क्लास में कि कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जो कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जाती है एस्टिमेटेड बेसिस पे, ये जानने के लिए कि जो गुड्स हम बनाकर मार्केट में बेचने वाले हैं उसको बनाने पे हमारी टोटल कॉस्ट सिस्टमेटिक तरीके से कितनी लगेगी, कौन सा कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले लिखना है, कौन सा कॉस्ट हमारा गुड्स को बनाने के बाद का खर्चा है जिसका संबंध प्रोडक्शन से नहीं है उसे बाद में लिखना है। ये मैक्सिमम आइटम है जो एक कॉस्ट शीट में आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है जी,
तो आजकल जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं और मिल भी रहे हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर टू में मैंने वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ रही हैं और आ सकती हैं वो लिख दी आपके पास। तो मेन पॉइंट आपके पास है रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो बच्चे लोग कहते हैं कि सर फ़र्क क्या पड़ता है कि यदि इस कॉस्ट को मैं ऊपर ना लिख के नीचे लिख दूँ या नीचे वाली को ऊपर लिख दूँ। बेटा फ़र्क पड़ता है किस पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यदि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत हो जाए तो उससे आपके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पे फ़र्क पड़ता है। आप कहोगे सर कैसे फ़र्क पड़ता है? बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये लास्ट पॉइंट है जिसके बाद में आज की क्लास बेटा आपकी समाप्त हो जाएगी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि खर्चों को ऊपर की जगह नीचे या नीचे की जगह ऊपर लिखने से क्या गलती हो सकती है। गलती ये हो सकती है कि यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट निकालते टाइम ये अमाउंट आपने नीचे लिख दिया और ये वाला अमाउंट ऊपर लिख दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से इस फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू जब गलत आएगी तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट गलत हो जाएगा, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत हो जाएगी, टोटल कॉस्ट गलत हो जाएगी, प्रॉफिट गलत हो जाएगा और आपकी सेल वैल्यू भी गलत आएगी। आप खुद सोचो कि जब सारी चीज़ें आप मैनेजमेंट को गलत निकाल के दोगे तो आपको जॉब पे रखेगा कौन? निकाल बाहर करेंगे आपको। और इससे मैनेजमेंट का डिसीजन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कस्टमर को गलत सेलिंग प्राइस की कोटेशन चली जाएगी, बाद में कस्टमर और हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा। कस्टमर कहेगा जी आपने ये प्राइस बताई थी, पैसे आप इतने मांग रहे हो, हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। तो मेरी बात आज आपको समझ में आई होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग सिस्टम है जो हमारी कॉस्ट को असर्टेन करने में, सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में, प्रॉफिट को कंप्यूट करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में और डिसीजन मेकिंग यदि कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है तो उसमें हमारी मदद करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारी कॉस्ट थी डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का पर्पस क्या था? कोई ऐसा खर्चा जिसको करने के बाद हम आसानी से पता लगाए कि वो खर्चा एक के लिए कितना है। अब जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, इसमें कपड़ा कितने का लगा मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ क्योंकि इसमें 2 मीटर कपड़ा लगा, 1 मीटर 500 का आया, 1000 रुपये हो गया। इसमें धागा कितने का लगा मेरे होश उड़ गए जब मैं सर किसी ने पूछा जी धागा कितने का लगा, मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता है धागा कितने का लगा। इसका मतलब है धागे का खर्चा मेरे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि ये आसानी से एक शर्ट को बनाने में कितना लगा मैं नहीं पता लगा पाऊंगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए हमें बिजनेस की नेचर चेक करनी पड़ेगी। बिजनेस आपका गुड्स से रिलेटेड है या बिजनेस आपका सर्विसेज से? यदि गुड्स से रिलेटेड बिजनेस है और कॉस्ट अकाउंटेंट के बेस पर आप अपना आंसर चाहते हैं एस्टिमेटेड पे, तो आपको भाई ये कॉस्ट शीट यूज़ करनी पड़ेगी। तो समझ लो ये फॉर्मेट अब आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे 2 से 3 बार। तो चलो भाई आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रा कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आपका जो भी नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है जी।